बागपत से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कक्षा 12 के छात्र यश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्र की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रजवाई के पास लहूलुहान हालत में पड़ा मिला छात्र का शव। सूचना पर डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। आपको बता दें, मलकपुर गांव का रहने वाला था 21 वर्षीय छात्र। मृतक के पिता ने बताया कि गांव से बाइक पर दो युवक के साथ बैठकर आया था युवक, जिसका शव देर रात रजवाए पर पड़ा मिला। बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के छपरौली रोड पर देर रात का यह पूरा मामला है, जहां पर एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी है और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। बागपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कक्षा 12 के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर हत्यारे मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। कुछ नहीं, मोटरसाइकिल पर आज दो लड़कों के साथ बैठ के सड़क पे। से कौन था वो, आपका क्या लगता है? लड़का जी कहाँ आया, कहाँ से? मलकपुर से। अच्छा, फिर क्या हुआ बस? जो उसके बाद में तो यही पता लगे आज प्रधान जी, पता होगा इनके द्वारा फोटो वोटो का होगा जी इसको। हाँ जी, क्या किया है उसके साथ, क्या सूचना मिली है पुलिस के द्वारा, आपको क्या जानकारी दी गई है? जी गोली के पता है, गोली लग रही है जिसके। तो अभी तक आपने देखा नहीं क्या? नहीं, हमने देखा जब तक। पुलिस का क्या क्या पुलिस ने क्यों चिमनी कहा जी, यही कहा किसके साथ था, कैसे था? घर से किस टाइम चला रहा है? 7 बजे जी। आपको सूचना 7 बजे की बात है जी। कौन लाया था घर से? ये दो लड़के थे जी, सड़क पे से आ बैठ के जी, छोटा वाला भी था लड़का उसके साथ। क्या किसी वाहन से थे, कहाँ से? मोटरसाइकिल से जी।